टेलीविजन और सोशल मीडिया पर कई कथावाचकों को देखा होगा। उनको सुनने के लिए हजारों की भीड़ पहुंचती है और कथा को पसंद करने वाले लोग लाखों की संख्या में हैं। इनमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जया किशोरी जैसे मशहूर कथावाचकों के अलावा और भी बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन इन कथावाचकों ने आज तक वह काम नहीं किया है जो सागर की 23 साल की राजराजेश्वरी देवी ने किया है। न्यू फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर बेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के। महज 6 साल की उम्र में श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा का वाचन करती आ रही राजराजेश्वरी देवी ने श्रीमद् भागवत पुराण कथा के सभी 18,000 श्लोकों को संगीतबद्ध किया है। इस काम में उन्हें 2.5 साल से ज्यादा का समय लगा। इस संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का 30 जून यानी रविवार को लोकार्पण किया गया। रविंद्र भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के पूर्व कुलपति राधा वल्लभ त्रिपाठी, वृंदावन से आए राम कृपाल त्रिपाठी, अध्यक्षता राम बाग मंदिर के महंत घनश्याम दास जी महाराज ने की। इसके अलावा संस्कृत के कई प्रकांड पंडित और विद्वान उपस्थित रहे। खास बात यह है कि इंटरनेट के माध्यम से जुटाई जानकारी में ऐसा काम किसी दूसरे साधु संत और कथावाचक ने अभी तक नहीं किया है। इस आधार पर राजराजेश्वरी देवी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दावा पेश किया है। बचपन से ही श्रीमद् भागवत और राम कथा का वाचन करती आ रही राजराजेश्वरी देवी बताती हैं कि जिस तरह विद्या अध्ययन के लिए बच्चों को पाठशाला भेजा जाता है, वहीं संस्कारों की पाठशाला परिवार होता है। मुझे बचपन से ही धर्म और सनातन संस्कृति से परिपूर्ण परिवार मिला। श्रीमद्भागवत महापुराण का संगीतमय मूल पाठ संपूर्ण 18,000 श्लोकों का ऑडियो एवं वीडियो को रिकॉर्डबद्ध किया गया है, जिसमें लगभग 2 साल का समय लगा। यह विशेष रूप से उनके लिए उपयोगी है जो नवयुवक हैं, सद्गास्तों के लिए यह आध्यात्मिक चेतना एवं आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रदान करेगा। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? लोग कथा करते हैं, मंच पर विराजमान होते हैं, लेकिन आपने ये अलग ही लाइन सुनी, कहाँ से आपको उसका ख्याल आया? बाल्यकाल से ही घर का माहौल वातावरण धर्ममय था और बाल्यकाल से ही लगभग 6 वर्ष की उम्र से श्रीमद् भागवत एवं रामकथा गायन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लगभग 2 साल पहले मन में यह अंतर विचार आया कि क्यों ना यह संस्कृत के संपूर्ण श्लोक जन जन तक पहुँचाए जाए। भगवत प्रेरणा से ही यह कार्य संभव हो जाए। आप एक कहा जाए तो युवा अवस्था में है, कुछ लोग गलत रास्ते भी अपनाते हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप भक्ति मार्ग से जुड़ रहे हैं, आपका क्या मत है? युवाओं के लिए यही संदेश है कि हम यह भाव रखेंगे एक ही जीवन मिला है, जो करना है वो करो, लेकिन आपको यह विवेक होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, और इसका अंतर रखने के लिए आपको सत्संग से जुड़ना ही पड़ेगा। आपने जो भागवत रिकॉर्ड की है, यह कहाँ देखने मिलेगी, यूट्यूब पे कहाँ पर मिलेगी? आज 30 जून 2024 कृष्णार्पण समारोह होने के पश्चात हमारे द्वारा विश्वारा चैनल यूट्यूब पर प्रतिदिन भागवत जी का एक अध्याय अपलोड किया जाएगा, जन से भी और सभी लोगों से। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है आपकी? न्यू फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के साथ ऑल हेयर फिक्सिंग। न्यू फेसिया सैलून, हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के सामने, तिल्ली रोड, सागर। हमारा संपर्क नंबर है 7692969387, 8770380207।